तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना, तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार लेट्स प्रोसीड विथ यूनिट 3 ऑफ क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज साइबर एथिक्स। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है तुम्हारे CBSE का, ठीक है। तो यार कंप्यूटर एथिक्स, एथिक्स का मतलब रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली ऐसे रूल्स जिससे कंप्यूटर तुम्हारा ना काट पाए, वैसे कट सकता है पर इस चैप्टर की मदद से कंप्यूटर तुम्हारा नहीं काट सकता। तो यार स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर। कॉमन इश्यूज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, प्राइवेसी कंसर्न, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। सो बेसिकली ये चैप्टर पूरा डील करता है कि कंप्यूटर और नेटवर्क जो यूज हो रहे हैं उन्हें कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न करें ताकि फ्रॉड और जो भी स्कैम वगैरह होते हैं वो मिनिमल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेटिकेट। इंटरनेट एटिकेट, द यूज ऑफ गुड मैनर्स इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, फॉरम्स, ब्लॉग्स एटसेट्रा। तो बेसिकली हमें अपने मैनर्स क्या रखने हैं, गुड, ठीक है। बेसिक एटिकेट्स, इग्नोर ट्रॉलिंग कमेंट्स, रिस्पेक्ट अदर, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रमोट हेल्दी डिस्कशन। तो हमें एकदम शरीफ बच्चों की तरह रहना है नेटवर्क के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कदमबड़ी, अच्छा मेरे भाइयों समझ गए ना, हैं सब्सक्राइब कर दो फिर। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड अ कस्टमर। इट डिफाइंस हाउ दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एंड व्हाट हैपेंस इफ द एग्रीमेंट इज ब्रोकन। सो बेसिकली ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं रिगार्डिंग अ सॉफ्टवेयर। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है जिसके अंदर हमें रह के वो एप्लीकेशन यूज़ करना है, और अगर कोई उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शंस ले सकता है वो सारा मेंशन होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट में, ठीक है। फर्दर सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड इनटू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टडी बोथ ऑफ देम इन डिटेल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लीगली रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द डेवलपर, यूजुअली डज नॉट रिलीज द सोर्स कोड, ओनली दोज हु हैव परचेस्ड अ स्पेशल लाइसेंस की कैन यूज इट। सो बेसिकली वाले सॉफ्टवेयर का कोड हमेशा डेवलपर के पास रहता है और ये डेवलपर की मर्जी है कि उन्हें अपना कोड फर्दर किसी और को दिखाना है या नहीं दिखाना। नेक्स्ट वी हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन। Developer publishes the code and allow others to use and modify it. Communities programmers often work together to develop the software and to support users. Open source products are usually tested in public by online contributors. Large companies such as Twitter, Facebook, etc. can make use of open source technology. So basically open source software ऐसे software होते हैं जिनका code publicly available होता है और कोई भी इंटरेस्टेड अगर कोई डेवलपर है उसको छेड़छाड़ करके कोई भी अपनी अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। इसे बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं अडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक फ्री या एप्पल स्टोर। ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर जिसे हम परचेज करते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स के एग्जांपल हैं गूगल क्रोम, एंड्रॉयड, मोज़िला फायरफॉक्स, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो यार जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वो ये वाला है, FOSSM, द फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। सोशल मूवमेंट विद गोल ऑफ ऑब्टेनिंग एंड गारंटिंग सर्टेन फ्रीडम्स फॉर सॉफ्टवेयर यूजर्स टू यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। तो यार एक ये सोशल मूवमेंट था जिसका गोल था वॉज टू ऑब्टेन सर्टेन फ्रीडम्स, जैसे कोई यूज़र उसे यूज़, स्टडी, मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। तो यार इन्हीं सब को ध्यान देते हुए हमारे पास एक नई टर्म आई विच इज़ GNU, जनरल पब्लिक लाइसेंस, इंटेंटेड टू गारंटी आर फ्रीडम टू शेयर एंड चेंज फ्री सॉफ्टवेयर एंड टू मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर विल रिमेन फ्री फॉर ऑल द यूज़र्स। सो बेसिकली ये यूज़र की एज अ गारंटी एक्ट करता है और फ्रीडम देता है
कि हम जब चाहे कोड मॉडिफाई कर सकते हैं और इट मेक श्योर कि वो वाला सॉफ्टवेयर हमारे लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल मीन्स कनेक्टेड टू एन इंडिविजुअल। लेट्स गो विद द डेफिनेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट्स दैट कवर द प्रिविलेजेस गिवन टू एन इंडिविजुअल हु आर द ओनर एंड इन्वेंटर्स ऑफ द वर्क। सो बेसिकली दीज आर द राइट्स जो कि इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जो उस सॉफ्टवेयर का ओनर है या डेवलपर है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब कैटेगरी दैट आर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लेआउट डिज़ाइन। पेटेंट अभी शार्क टैंक इंडिया में बहुत फेमस हुआ है। पेटेंट को हम यूज़ करते हैं एज अ बिजनेस टूल कि किसी का कोई बिजनेस आइडिया है, कोई कॉपी करके फर्दर अपना बिजनेस ना बना ले तो वो लोग पेटेंट रजिस्टर करा देते हैं। ऐसे ही हमारे पास होता है कॉपीराइट। कोई YouTube पे बहुत मेहनत करके वीडियो बना दे और दूसरा कोई बंदा उसे कॉपी करके फर्दर एड्स चला के अपना प्रॉफिट बना है, उसे बचाने के लिए कॉपीराइट आया था मार्केट में। तो यार नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्लेजरिज्म। इज अ रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन एंड स्टीलिंग द पब्लिकेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज, थॉट्स, आइडियाज एज वन ओरिजिनल वर्क। तो यार बेसिकली ये किसी भी ओनर के लैंग्वेज, थॉट या आइडिया को अगर कॉपी करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? प्लेजरिज्म के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं कॉल्यूजन, कॉपिंग पेस्टिंग, वर्ड स्विच, कंसीलिंग सोर्सेस इन एडवर्टेंटली। तो यार जो भी कॉपी रिलेटेड स्टफ होता है वो सारा इस कैटेगरी के अंडर फॉल होता है। तो यार लास्ट हमारा फाइनल जो मेन टॉपिक है विच इज प्राइवेसी कंसर्न्स, तो ये पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक विच इज हैकिंग। रोहन भाई को जानते हो, हैप्पी न्यू ईयर का हैकर, तो वो क्या करता था? वो सारा अंडर फॉल करता है किसके? हैकिंग के। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर और नेटवर्क। इंट्रूजन मतलब कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़। इंट्रूड सिक्योरिटी लेवल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्वायर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स। तो यार हैकिंग बेसिकली किसी के भी सिक्योरिटी लेवल को क्रैक करके बिना उस बंदे के परमिशन के उनका कंप्यूटर यूज़ करना, वो किसके अंडर फॉल करता है? हैकिंग के। नेक्स्ट वी हैव इज मैलवेयर। मैलवेयर इज मलेशियस सॉफ्टवेयर। कॉमन मैलवेयर्स आर वायरसेस, स्पाइवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। जो भी आपने नाम सुने होंगे ऐसे वायरसेस, वॉर्म्स वगैरह के, वो किसके अंडर फॉल करता है? मैलवेयर के। वायरस बेसिकली क्या करता है? वायरस कैन डिलीट फाइल फ्रॉम हार्ड ड्राइव। बिना ओनर के परमिशन के वायरस तुम्हारी हार्ड ड्राइव से बहुत कुछ कर सकता है। जैसे स्पाइवेयर, इट कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, ये वायरस होता है, कोविड वायरस बोलो या कंप्यूटर का बात, तो भाई दोनों तो वायरस ही है। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा प्रोटेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड डेटा प्राइवेसी। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग एंड हैविंग अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स वाइल स्टिल ऑथोराइजिंग डेटा टू बी यूज फॉर बिजनेस प्रोसेसेस। सो डेटा प्रोसेस एज अ मीडियोकर काम करता है कि तुम्हारा डेटा प्रोटेक्ट भी हो और जो जो डेटा तुम अलाउ करते हो वो बिजनेस पर्पसेस के लिए वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वी हैव इज अनोनिमिटी। इट इज़ अ वे ऑफ कीपिंग अ यूज़र आइडेंटिटी मास्क थ्रू वेरियस एप्लीकेशन। सो एज अ ये सिक्योरिटी लेयर काम करता है विथ हेल्प ऑफ अदर एप्लीकेशन टू कीप यूज़र आइडेंटिटी हिडन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्राइवेसी कंसर्न के अंदर क्या क्या आया था। पहला था हैकिंग, इलीगल इंट्रूजन, सेकंड वाज मैलवेयर, दीज वर मलेशियस सॉफ्टवेयर, थर्ड वाज डेटा प्रोटेक्शन विच इज प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, देन वी हैव इज अनोनिमिटी दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ यूजर विद द हेल्प ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है,